ओबीसी विद्यार्थी बड़ी संख्या में आजाद मैदान पर है और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, ऐसी वो शिकायत कर रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे क्या, क्योंकि कोई भी नेता वहाँ पे अब तक नहीं गया। देखिए, ये ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है, विलास राव की सरकार में जब हम मंत्रिमंडल में थे तब हम लोग ने डिसीजन लिया था कि ओबीसी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिले। दो साल हम लोग सरकार में थे, दो साल के लिए स्कॉलरशिप मिली। जैसे ही हम लोग सरकार से बाहर निकले वैसे ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद हुई है। आज कई ओबीसी के मंत्री जो है कैबिनेट में हैं लेकिन वो निर्णय नहीं ले सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। जहाँ मिलने की बात है उस विद्यार्थियों के साथ हम लोग हैं, उनसे मिलते भी है, और उनका जो आंदोलन है कि स्कॉलरशिप का है, उस स्कॉलरशिप के आंदोलन को हम लोग मानते भी है। और विद्या क्योंकि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर आप ले आए हो, स्कॉलरशिप देना जो है वो नॉन क्रीमी लेयर को देना है, इसलिए गरीब विद्यार्थी है तो इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ऐसी हम लोग की मांग है। मोदी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको 272 सीटों की ज़रूरत है, और 272 सीटों की ज़रूरत है, और बीजेपी मुझे दिखाई देता है कि 272 सीटों पे नहीं आएगी, इसलिए समझौते की सरकार होगी। जो कोई समझौते में जाएगा, सभी पार्टी के नेताओं को मोदी ने अंदर डाल दिया है, तो कोई उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एग्री नहीं होगा और कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए एग्री हो जाएंगे। 3 दिसंबर के बाद सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? मैंने आपको इसका तथ्य भी दिया कि आज किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाइए तो पुलिस स्टेशन में वार्निंग आ चुकी है कि 6-10 दिसंबर के बाद में आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान के दंगे हो सकते हैं या ओबीसी मराठा के दंगे हो सकते हैं, दोनों वार्निंग आ चुकी है।